नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। पूरे देश के साथ साथ बिहार में भी बड़े हर्षोल्लास के साथ दिवाली मनाई जा रही है और तमाम बड़े चेहरे लोगों को, देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। नीतीश कुमार ने भी अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी। साथ ही साथ उन्होंने एक संदेश भी दिया है। क्या है वो पूरा ट्वीट और क्या है उनका संदेश, हम आपको बताने जा रहे हैं। आप अपने स्क्रीन पर वो ट्वीट भी देख पा रहे होंगे जिसमें नीतीश कुमार के ट्विटर हैंडल से लिखा गया है, प्रकाश पर्व दीपावली के अवसर पर सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। दीपावली अंधकार पर प्रकाश, अज्ञान पर ज्ञान और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। इसके अलावा नीतीश कुमार ने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि प्रकाश पर्व दीपावली अंधकार पर प्रकाश, अज्ञान पर ज्ञान और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। अनेकता में एकता की मिसाल हमारी संस्कृति और भारतीय मनीषा, अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मार्मितंगमय शुभ संकल्प का संदेश देती है। नीतीश कुमार ने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि दीपों का एक महापर्व प्रदेश में प्रेम और सद्भाव के साथ ही लोगों के जीवन में शांति, सुख एवं समृद्धि लाए। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने भी शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने ब्लॉग मैसेज में लिखा कि दीपावली की आप सभी बिहार वासियों को बधाई। यह पर्व अंधकार पर प्रकाश की विजय का है, असत्य पर सत्य की जीत का है, भगवान राम के घर लौटने पर आने वाली खुशी का है। प्रकाश और प्रगति का यह पर्व एक बार फिर से हमारे जीवन में रोशनी पहुँचाए, यही कामना है। भाजपा अध्यक्ष ने आगे लिखा कि दीपावली की पृष्ठभूमि में आए चुनावी नतीजों ने यह सिद्ध कर दिया कि बिहार की जनता विकास और प्रगति को तवज्जो देती है। ये अंधकार और ठहराव के इस दौर को अब कभी अपने जीवन में दखल नहीं देने देगी जो इस राज्य को पुंग बनाए हुए था। तो नीतीश कुमार के साथ साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने भी लोगों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि दीपावली का पर्व इस बार बड़े जोरों शोरों से मनाया जा रहा है। हालांकि कोरोना काल होने की वजह से ऐसा लग रहा था कि शायद किस तरीके से इसे सेलिब्रेट किया जाएगा, लेकिन जो लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है, जो लोगों में उमंग देखने को मिल रहा है, उससे साफ पता चल रहा है कि लोग अब कहीं ना कहीं सारी सतर्कता को ध्यान में रखते हुए हर त्यौहार को मनाते हुए खुशी से दिखाई दे रहे हैं। और धनतेरस के दिन हो या फिर छोटी दिवाली के दिन हो, लोग बाहर निकले और बाजारों में जमकर खरीदारी भी की और आज सुबह से ही हर एक जगह दिवाली की रौनक देखने को मिल रही है। चाहे वो सड़क हो, बाजार हो, दुकान हो, घर हो, ढेर सारी सजावटें जो है हर कोई अपने घर में कर रहे हैं। माँ लक्ष्मी के साथ साथ आज गणेश जी की पूजा की जानी है और कई सारे आशीर्वाद जो है भगवान से मांगने हैं और सभी लोग इसकी तैयारी में अभी से ही जुटे हुए हैं। और लाइव सिटीज की टीम की तरफ से भी हमारे तमाम दर्शकों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हाँ, इस बार दीपावली में आप लोग मस्ती ज़रूर कीजिए, लेकिन सतर्कता ज़रूर बरतिए, क्योंकि हम सबको पता है कि फ़िलहाल कोविड-19 का वक्त चल रहा है। तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और मास्क के साथ ये दीपावली आप सभी लोग सुरक्षित होकर मनाएं। ज़्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए लाइव सिटीज़ के साथ। और अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर फॉलो करना मत भूलिएगा।